गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग छात्र। कल क्या बताई थी मई? वाट भारत, भारत प्यारा देश है। नो बेटा, अपना प्यारा भारत देश। वाट अपना प्यारा भारत देश। गुड नाना, अपना प्यारा भारत देश। अपना क्या है व्याकरण की दृष्टि से? सर्वनाम। वॉट अ सर्वनाम। अपने प्यारे इंडिया में भारत देश यानी इंडिया, इंडिया में सब लोग कैसे रहते हैं? सब लोग मिलजुल कर, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये मिलजुल कर रहते हैं बहुवचन एकवचन? व्याकरण की दृष्टि से मिलजुल कर रहते हैं एकवचन बहुवचन? वेरी गुड बेटा, रहते। वाई? बिकॉज हियर सब लोग आया। भारत देश में एक ही पर्सन रहता है, एक आदमी। एक जब एक कहती हूं तब रहता है। सो यहां क्या आया बेटा? सब, एवरीवन, पीपल, मिलजुल कर क्या रहते हैं। ये क्या है सेंटेंस? बहुवचन सेंटेंस। व्हाट नाना? बहुवचन सेंटेंस। सो कैसे लोग, कैसे लोग? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लोग। और हिंदू में बहुत सारे जाति के लोग भी रहते हैं। हिंदू में बहुत सारे लोग रहते हैं, मुस्लिम्स में भी और सिख और ईसाई में भी अलग अलग लोग रहते हैं। अलग अलग घर में रहते हैं, अलग अलग घर बसा लेते हैं, अलग अलग भाषा रहती है। क्या बेटा? अलग अलग भाषा। नोट कर लो, ये क्या है? अलग अलग कौन सा शब्द है? पुनरुक्त शब्द। ये ऐसा लगा कर, ये कैसा शब्द है बेटा? पुनरुक्त। कैसा शब्द है? पुनरुक्त शब्द है। देखो, अलग अलग लोग रहकर भी अलग अलग भाषा, भाषा स्पीकिंग, जो उनकी भाषा रहती है, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, गुजराती, मलयालम, हिंदी, मराठी, संस्कृत, अलग अलग भाषा रहन, तेलुगु ऑल्सो। सो अलग अलग भाषा, गोंड कांड का भी अलग अलग रहता है, फिर भी इंडिया में लोग कैसे रहते हैं? नोट दिस पॉइंट, मिलजुल कर रहने की प्रथा है। इसलिए हमारा इंडिया हमको बहुत प्यारा है। हमारा इंडिया में, हमारे इंडिया में, हमारे, आई एम नॉट सेइंग हमारा इंडिया, हमारे, वी पीपल, हम सब रहते हैं। इसलिए हमारा, हमारे एकवचन बहुवचन। हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में जब भी प्रश्न का उत्तर लिखते हो, हमारे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग रहते हैं और सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। सब लोग आया, दैट्स वाई यहाँ क्या आना बेटा? मिलजुल कर रहते हैं। एक ही आदमी है, एक औरत है, एक ही पर्सन को लिया गया। जब रहता, रहता पुलिंग, रहती स्त्रीलिंग। रहती क्या है? औरत। रहता क्या है? रहता। रहती क्या है? स्त्रीलिंग।
वॉट अ स्त्रीलिंग, रहता क्या है पुलिंग, सो यहां क्या है रहते हैं, रहते स्त्रीलिंग भी है पुलिंग है सब लोग, क्या आया नाना यहां पर सब लोग आया, इसलिए वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग और बहुवचन, क्या आया बहुवचन, यहां देखो रहता क्या है पुल्लिंग एकवचन, लिख लो पुल्लिंग एकवचन, यह क्या है रहती स्त्री एकवचन, स्त्री एकवचन, पुल्लिंग एकवचन, स्त्रीलिंग एकवचन। अभी देखो फर्स्ट में क्या कहा, जग में वर्ल्ड लेवल में हमारा इंडिया डिफरेंट है, यानी अच्छा है, कितना अच्छा, अलग अलग जाति अलग अलग मत के लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहने पर भी हमारे इंडिया में मिलजुल कर रहने की प्रथा है, इसलिए हमारा इंडिया हमको बहुत प्यारा है। और सेकंड में ऊंचे शिखरों वाला देश, शिखर पर्वत, पर्वत पानी, गंगा नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, सब नदी यहीं पर पाए जाते हैं, कहाँ हमारे इंडिया में, इसलिए यहाँ कहा गया हमारा देश हमको बहुत प्यारा लगता है। थर्ड में इसके कण कण में संदेश है, ऐसा पावन, पावन यानी पुण्य, पुण्य स्थल, ऐसे पुण्य स्थल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, जन्म हुआ, जन्म हुआ, यही पर हमारे इंडिया में भगवान ने भी जन्म लिया है, भगवान श्री राम सीता माता, भगवान श्री कृष्ण का इसी इंडिया में उनका जन्म हुआ है, इसलिए हमारा इंडिया पुण्य देश है, कैसा देश है पुण्य देश है। सो ये पाठ बताई बेटा, अभी देखो एक बार पढ़ती, जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश, ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश, इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश, है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। और क्या है, सोना हमारे इंडिया में ही उगता है, चांदी और हीरे आल्सो, आदि ब्रॉन्ज आल्सो, ये सब हमारे इंडिया में है, गंगा पर्वत और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सोना चांदी और हीरे जवाहरात आल्सो हमारे इंडिया में ही है ये सब, इसलिए भगवान श्री राम का भी यहीं पर जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का भी इंडिया में ही जन्म हुआ, इसलिए हमारा भारत देश हमको बहुत अच्छा है। अच्छा अपोजिट क्या है, अच्छा बुरा, अच्छा अपोजिट क्या है नाना बुरा, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, नोट कर लो छोटा बड़ा, हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, ओके ना बेटा, पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, सो ये नोट कर लो, पुण्य पाप स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा छोटा बड़ा। अभी देखो बेटा यहां सुनो बोलो में, भारत देश तुम्हें क्यों प्यारा है, प्रश्न,
भारत देश मुझे बहुत प्यारा है। क्यों प्यारा है? वाई बिकॉज हमारे भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहते हैं, फिर भी सब लोग कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहने के कारण मुझे भारत देश बहुत प्यारा है। कैसा है बेटा? भारत देश मुझे बहुत प्यारा है। और एक कविता में भारत को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? इस कविता में भारत देश को क्या कहा गया है? स्वर्ग, क्योंकि हमारे भारत देश में गंगा, यमुना, कावेरी, पेन्ना, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियाँ पुण्य स्थल में आदि नदियाँ रहती है, बहती है, और पर्वत भी है, ऊंचे शिखर भी है। इसलिए हमारा भारत देश स्वर्ग से समान है। कैसा है बेटा? स्वर्ग से समान है। इसलिए अभी देखो, सेकंड वन पढ़ो में कविता पढ़िए और निम्नलिखित भाव किन पंक्तियों में है उन पंक्तियों को लिखिए। यहाँ देखो, हमारा भारत देश पवित्र है क्योंकि इसके कण कण में संदेश है। ये क्या है? कविता पढ़ो निम्नलिखित किन पंक्तियों भाव, ये कौन से पंक्ति से लिया गया है, हियर फिलअप करो। अभी देखो, कविता में पहले क्या आया है उसे क्रम, 1 2 3 मीन्स क्रम, ऑर्डर वाइज यू शुड राइट। ऐसा पावन है यह देश, अपना प्यारा भारत देश, है धरती का स्वर्ग यही, इसके कण कण में संदेश। ये उल्टा पुल्टा है। ये कैसा है? उल्टा पुल्टा है। इसको क्या करना? ऑर्डर वाइज, क्रम वाइज से लिखो। सो ऐसा फर्स्ट क्या है? अपना प्यारा भारत देश। क्या है बेटा? अपना प्यारा भारत देश। ऐसा ये फर्स्ट एक से दो बार कविता पढ़कर तुम लिखना, माय नहीं। अभी देखो, नीचे लिखो में हेड नोट निकालो, उत्तर पुस्तिका में शब्दार्थ लिखो, प्रश्नोत्तर, भाषा की बात ऑल्सो। क्या है लिखो में प्रश्न? हमारा देश किन किन कारणों से सुंदर लगता है? वेरी इजी प्रश्न। हमारा देश किन किन कारणों से सुंदर लगता है? हमारा देश किन किन कारणों से सुंदर लगता है? किन किन कारणों से सुंदर लगता है? हमारे देश में गंगा, यमुना, कावेरी, पेन्ना, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियाँ बहती है, ऊंचे ऊंचे शिखर रहते हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, स्वर्ग से समान है, खेत फसलें भी होती है, इसलिए हमारा देश हमको बहुत सुंदर लगता है। अपना ओन लिखो। अभी देखो, यहाँ तो पन्ना नहीं है बेटा, मैं कल बताती एक बार, यह कविता एक बार पढ़ती ना, ना समझ आया क्या? जग में फर्स्ट, मई फर्स्ट, आई विल आस्क फर्स्ट दोहा। जग माना क्या है? जग, व्हाट आर जग माने? वर्ल्ड, सब, एवरीवन, देश, कंट्री। ओके बेटा, अपना प्यारा भारत देश में अपना व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सर्वनाम। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, यह, वह, ये, वे, इधर, उधर, मैं, तू, तुम, अपना, पराया, के पीछे, के आगे, इधर, उधर। अपना क्या है? सर्वनाम शब्द। वेरी गुड नाना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा क्या है? तारा, तारा मींस स्टार जैसा। एवरीवन इज देयर, बट कैसा तुलना किया है? स्टार जैसा, हमारा इंडिया स्टार जैसा दिखता है। ऊंचा, ऊंचे शिखर, शिखर यानी पर्वत, ऊंचे यानी हाई, और नदी, लेक, सोना, गोल्ड,
सिल्वर, चांदी यानी सिल्वर, हीरे डायमंड, फसल फील्ड, पावन पुण्य, धरती अर्थ, सो ये पाठ का कविता पढ़कर एक से दो बार पढ़ो और उत्तर पुस्तिका में शब्दार्थ प्रश्नोत्तर राइट। फर्स्ट पार्ट पढ़ते रहो, पार्ट पढ़ो, कविता सीखो, कविता सीखकर पुनरुक्त शब्द क्या है अलग अलग, धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे पुनरुक्त शब्द पढ़ते पढ़ते राइट, पढ़ते पढ़ते, जाते जाते, देखते देखते, देखते देखते, ये क्या है पुनरुक्त, सेम आता और एक योजक आता, इसको क्या कहते हैं योजक, हिंदी में क्या कहते हैं योजक। सो अपना प्यारा भारत देश पोयम पढ़कर उत्तर पुस्तिका में शब्दार्थ प्रश्नोत्तर लिखकर आओ, पढ़कर भी आओ।